नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। शासन के आदेश पर कांधला पुलिस ने इन दिनों नगर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है। इसमें पुलिस ने कई दिनों से नगर में अतिक्रमण हटाकर नगर के सभी चौराहों बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। बुधवार सुबह व्यापार मंडल अध्यक्ष ईश्वर दयाल कंसल के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने थाना अध्यक्ष कांधला का घेराव करते हुए पुलिस पर अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने व्यापार को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है। कांधला थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि आगे से कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी व्यापारी को अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न नहीं करेगा। मामला ये है कि हम चाहते हैं कि व्यवस्था रहे, व्यवस्था में बनाने में हम उनके पूरे शासन के प्रशासन के साथ सहयोग करते रहना चाहते हैं, लेकिन एक नीति निर्धारित होनी चाहिए कि कहां से कहां तक हमें कहां ठेली लगा सकते हैं। अगर ठेली वालों को पे अगर अनावश्यक उत्पीड़न हुआ तो वे अपराधी बन जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वे गरीब लोग हैं, गाँव से आके किसी तरह गुजारा करते हैं, उनका भी काम चले, व्यवस्था भी बनी रहे, रास्ता भी खुला रहना चाहिए, ये चाहते हैं। एक जो है कठोरता के साथ पालन होना चाहिए, लेकिन अभद्रता नहीं होनी चाहिए। किसी गरीब ठेली वाले के साथ ये थोड़ी कि डंडा फटका दिया, मारी लाठी मार दी, ये इस बात इसको लेकर हम इन बिंदुओं पर बात करने के लिए माननीय थाना अध्यक्ष कांधला से बात करने हमारे। क्या आश्वासन मिला थाना अध्यक्ष? उन्होंने थोड़ा सा आज उनका वर्जन उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उन्होंने हम पे छोड़ दिया और ये कह दिया मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, व्यवस्था में हम दोनों मिल के काम करना चाहते हैं। नेशनल हाईवे पर हादसे रोकने के और घायलों को तत्काल उपचार दिलाने के लिए प्रदेश में रोड सेफ्टी थाने खोले जाएंगे। पहले चरण में हादसों से जल्द प्रभावित देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में 15 थाने खोले जाने हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर ट्रैफिक निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी के सामने रखा है। पुलिस मुख्यालय जल्द इन थानों की स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेगा। देखिए, रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, कैजुअलिटी को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हमें लगातार कार्रवाई हो रही है और इस पे माननीय मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी महोदय लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें कई इसमें जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ किस कारण से वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर उसके पॉइंट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और जो जो वहाँ पे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो रडार गन्स हो, चाहे ब्रेथ एनालाइजर हो, चाहे वहाँ स्पीड को कम करना हो, किस पॉइंट की क्या प्रॉब्लम है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी क्रम में माननीय गृह मंत्रालय की एक रिकमेंडेशन है जिसमें उन्होंने रोड सेफ्टी जो नेशनल हाईवे है उसमें रोड सेफ्टी थाने खोलने की बात कही है। जो उत्तराखंड राज्य है उसमें लगभग 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, तो इसमें जो प्रथम जो चार राज्य हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और उधमसिंह नगर, नैनीताल, इसमें चार डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सीडेंट्स की संख्या है वो काफी अधिक है पूरे उत्तराखंड में, तो इन चार डिस्ट्रिक्ट पर पहले हम फोकस करने जा रहे हैं और 15 रोड सेफ्टी थाने जो है उसको खोलने की संस्तुति, उसको खोलने की एक रिकमेंडेशन है वो हम लोग भेज रहे हैं ट्रैफिक डायरेक्टर की तरफ से और ये अगर थाने खुलते हैं तो आशा है कि बहुत जल्दी ही एक पॉजिटिव रिजल्ट रोड एक्सीडेंट्स में कम करने में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश सरकार के ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने बेवा में बने 2,77,00,000 रुपए के प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन किया। उनके साथ बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल, विधायक सतीश त्रिवेदी, पूर्व मंत्री राजू श्रीवास्तव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को बताया। मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आज के 10 वर्ष पहले हुआ था। 10 वर्ष पहले कांग्रेस की हुकूमत थी भारत केंद्र में, तब तो उन्हें याद ये बात आई नहीं। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं और 10 वर्षों की जो सीमा निर्धारित थी उस सीमा के दृष्टिगत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के सम्मान के दृष्टिगत भारत की सरकार ने, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। इसलिए सरकार या कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में हम उसका पालन कर रहे हैं और वो समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए अगर उसका पालन न करते तो और हम अगर उसको न मानते तो कंटेम्प्ट होता और जो पैसा बचेगा हम अल्पसंख्यक बच्चियों की बेहतर शिक्षा का इंतजाम करेंगे, उन्हें डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, भारत का बेहतर नागरिक बनाएंगे, उन्हें भारत की हर बेटी के समान योग्य बनाने में उस पैसे को खर्च करेंगे।
रुड़की में आज नगर विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर भाजपा द्वारा चलाई जा रही आजीवन सहयोग निधि के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी बलराज पासी, जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान, प्रभारी विनय रोहेला व पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में आज विधायक के सहयोग द्वारा आजीवन सहयोग निधि के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की गई। प्रदेश प्रभारी बलराज पासी ने बताया कि पार्टी में ईमानदारी व स्वच्छता बनी रही, इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक प्रयास किया गया है। एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी की सोच के जरिए आज ये आजीवन सहयोग निधि का कार्यक्रम यहाँ कैंप कार्यालय में रखा गया, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय बलराज पासी जी उपस्थित रहे, जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान जी और हमारे प्रभारी विनय रोहेला जी और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे और शहर के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी ने अपनी आहुति जो है इस यज्ञ में दी है। ये यज्ञ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए है, पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए और आजीवन सहयोग राशि का मतलब कि पार्टी को मजबूत करना और उसकी ब्याज की राशि से पार्टी कार्य करेगी और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होगा वो पार्टी आगे बढ़ेगी लगातार और निष्पक्ष और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ये राशि जो है सहयोग। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जो है सुविधा बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, ईमानदारी के साथ पैसा पार्टी को चलाने में लगे, ये एक प्रयास जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर भी एक बिल आया है जिसमें सारे राजनीतिक दल जो भी धन संग्रह करेंगे वो पता रहना चाहिए किसने दिया। इसी नियमित पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो अभियान चलाया हुआ आजीवन सहयोग निधि का, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 25 करोड़ रुपए का टारगेट है। ये एक ऐसा फंड होगा जो स्थायी रूप से जमा होगा, उसके ब्याज से जो है पार्टी को जो चलाने का जो काम होगा उसी योजना के तहत हम लोगों ने 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक एक अभियान लिया है। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।